आज मैं पुनः फिर आपको इस वीडियो में मैं क्लास सिक्स की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एन और ओ की चर्चा इस वीडियो में करूँगा। तो अभी आप देखेंगे किसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन एन कहता है कि लुक एट द चिल्ड्रेन ऑफ नेबरहुड, कैन यू टेल व्हाट ईच ऑफ देम लाइक्स टू डू। आप ये सारे बच्चे को देखें और जब इसको देखते हैं तो आप ये क्या कह सकते हैं कि आखिर जो बच्चे यहाँ खड़े स्टेप में हैं आखिर वो क्या करना पसंद करते हैं। अभी आप देखते हैं कि अन्य अन्य नाम की कोई लड़की है, ये क्या कर रही है, तो स्विमिंग स्विमिंग के लिए अभी देख रहे हैं ये हाथ में ली हुई है इस साइड से, ये स्विमिंग करने की ओर जा रही है। हैरी क्या कर रहा है, तो हैरी रीडिंग की ओर जा रहा है। रोनी क्या कर रहे, कुछ कांदे रहे, यहाँ कान में कुछ लगाया है। रोनी क्या कर रहा, लिसनिंग। ये टिनी या टाइनी, आप नाम जो पर है टीनी ही पर है, तो ये क्या कर रहा है, तो प्लेइंग, कोई बजाने का काम करता है। ये जेम्स क्या कर, कुछ फेंकने का काम कर रहा था, थ्रोइंग। ये सोसी है, ये सोसी या सोसाई आप जो पढ़े इसे, तो ये क्या कर, गार्डनिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ करने जा रही है लड़की ये। अब इसी के जस्ट बाद मैं क्वेश्चन नंबर ओ की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर ओ कहता है क्या कि अ ड्रा रोड साइंस फॉर द गिवन जेरेंस। कहता है क्या कि कुछ रोड साइंस है उससे आपको ड्रॉ करना है। मैं तो उतना, मुझे भी तो उतना कलाकारी नहीं आती, मैं उतना मुझे करना नहीं आता, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया है कि उसी प्रकार से जो सिंबल है केवल सिंबल को ही आप समझें, आप इसमें जो कलाकारी के रूप में जो यहाँ लिखा गया है या जो शेप ग्रुप मैंने बनाया है उसको प्लीज़ आप ध्यान न दें। कहता है कि ड्रॉ रोड साइंस फॉर द गिवन जेरेंट्स। कहता है क्या है कि रोड साइंस को आप ड्रॉ करें, जो कि यहाँ जो गिवन जो सारे जेरेंट्स दिए गए। जेरेंट्स मतलब समझते हैं आप लोग, जेरेंड्स का मतलब होता है कि V1 प्लस ING, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, इट इज नोन एज जेरेंड। जब कोई भी V1 प्लस ING का जो रूप होता है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूप होता है, जब एक नाउन के रूप में काम करता है उसी को जेरेंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि नो स्टॉपिंग, मतलब कि यहाँ आपको रुकना नहीं है, तो इसलिए ये इसका ऐसा सिंबल आपको मिलेगा। कहीं भी आप देख भी सकते हैं, जहाँ जब आप सफ़र करते हो तो आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ रुकना नहीं, नो पार्किंग। यहाँ पे ऐसा सिंबल जब भी अगर मिले तो इसको हम कहते हैं पार्किंग वहाँ नहीं करना। और ये शेप देखना, ये शेप सर्कुलर शेप है, सर्किल शेप है, नहीं हो सकता है कि हमसे थोड़ा सा इधर उधर ये इसका शेप बन गया हो, लेकिन ये हमेशा सर्कल शेप में रहता है। नो टर्निंग लेफ्ट, आपको बाएं की तरफ नहीं मुड़ना। तो इस रूप से इसको शेप ऐसे बनाएंगे, देख रहे हैं ना, इसको ऐसे ऐसे इस साइड से काटेंगे और इसको ऐसे घुमा के पुनः एरो इधर लगा देंगे, लेकिन याद रहे कि लाइन पे ही चलेगा। अब क्या कहता है कि नो टर्निंग राइट, अब आपको दाहिने की ओर नहीं मुड़ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बना देंगे, इसका ऐसे घिसका के ऐसे बना देंगे। नो हॉकिंग, अब आपको हॉकिंग भी नहीं करना, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख रहे ना, ये यहाँ इसको ऐसे घुमा दें, इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पर एक सिंबल बना दें। कहता है नो ओवरटेकिंग, अब आपको ओवरटेकिंग नहीं करना, तो कैसे लगाएंगे, तो इसको ऐसे सर्कल शेप देंगे, फिर इसमें एक लाइन खींचेंगे, फिर इस साइड से एरो देंगे और फिर ये छोटा सा एरो इस साइड देंगे, क्लियर। इसलिए ये सिंबल किसका है, ओवरटेकिंग नहीं करने का। कहता है नो साइकिलिंग, अब यहाँ कहता है साइकिलिंग इस रोड या इस रास्ते से नहीं करना, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ इसको हम देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ऐसे क्रॉस वाली लाइन से खींचेंगे हाफ वाले और इसमें साइकिल का सिंबल बना देंगे। किसका सिंबल, साइकिल का सिंबल। और साइकिल का सिंबल आप खुद से बनाएं, क्योंकि ये मेरे से नहीं बनने वाला था, इसलिए यहाँ साइकिल का सिंबल आप जरूर लगाएं। कहता है नो मोटर ड्राइविंग, कहता है क्या कि मोटर ड्राइविंग नहीं करना, तो इसका पुनः फिर यही वाली बात है, अगर यहाँ पे यहाँ से ऐसे फिर एक लाइन क्रॉस दें और इस पर कार की चित्र बना दें आप, क्लियर। तब इससे बनाएंगे तो जो समझने वाले लोग हैं उसे समझ जाएंगे कि इस साइड से आपको गाड़ी नहीं चलाने हैं। तो भी आपने देखा कि क्लास सिक्स की जो ग्रामर की बुक है उसकी वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एन और ओ की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख कर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।